Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. फील्ड पे गए बालाज. तू कौन है? ट्रेन किलर. क्या ऋतिक ने सिद्धार्थ की वजह से फिल्म को ठुकराया? बाप बेटे में हुई थी तकरार इस फिल्म को लेकर. कौन होती ऋतिक के साथ रैम्बो की हीरोइन? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में. जब से टाइगर श्रॉफ का रैम्बो का लुक सामने आया है, हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ वो फिल्म में देखने को उत्साहित थे, जिसे सिद्धार्थ आनंद के साथ डायरेक्शन किया जा रहा है और यहां अगले साल रिलीज होगी. हालांकि हाल ही में ऐसी खबरें थी कि ऋतिक को पहले फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था. सिद्धार्थ आनंद ने एक मैगजीन से कहा था, इसके अलावा ऋतिक भी रैम्बो जैसे वास्तव में एक बढ़िया विकल्प होंगे, लेकिन ऋतिक नाइट एंड डे में फिल्म के बाद एक और रिमेक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. उम्मीद है हमें जल्द ही साथ में कुछ करना होगा. रैम्बो वो फिल्म नहीं है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उस पर मैं ऋतिक के साथ करता हूँ. जब भी मैं कुछ करता हूँ वहाँ सबसे पहले लोगों में से एक है, वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है. हालांकि एक मैगजीन के अकॉर्डिंग बॉलीवुड के इनसाइडर का कहना है कि ऋतिक सिद्धार्थ के साथ एक और फिल्म नहीं करना चाहते थे, और जब ये बात ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन को पता चली तो बाप बेटे में इस बात को लेकर बहुत कहासुनी हुई थी, क्योंकि राकेश रोशन ने एक साथ सिद्धार्थ आनंद के रिलेशन काफी अच्छे हैं. हमें अभी भी शक है कि क्या है सच्चाई. आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. वहीं इस बीच सुपर एक्साइटेड हीरोपंती स्टार टाइगर जो रैम्बो की भूमिका निभाएंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तब मैं चांद पर था. मैं बचपन से ही सिल्वेस्टर का बहुत बड़ा फैन हूं और उनकी फिल्म देखकर मैं बड़ा हुआ हूं. एक्शन शब्द का मतलब भी मुझे उनसे ही पता चला था. मैं उनके जूतों में कदम नहीं रख रहा हूं, मैं उन्हें रैम्बो के साथ एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को एज अ चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं. मैं जिंदगी भर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करता रहा. सिल्वेस्टर ने खुद मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक ट्वीट लिखा. ऐसे में ऐसा लगा कि कोई सपना सच हो गया हो. सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ऋतिक होते हमारे रैम्बो तो उनके साथ कौन सी हीरोइन ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए अच्छी लगती, कौन सी हीरोइन अपने अनोखे अंदाज के साथ ऋतिक की हॉट बॉडी और जेंटलमैन लुक्स को और निखारती. क्या वो दीपिका होती या फिर जैकलीन होती? अगर हमारी माने तो जैकलीन की जोड़ी टाइगर के साथ ऑन स्क्रीन काफी सुपरहिट लगती है. आपको क्या लगता है जरूर बताइए. हम लेते हैं आपसे अलविदा. आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम फिर से इसी जगह और नई चटपटी खबर लेकर आपके पास आएंगे. तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.